Hi, I'm Hardik and I'm a surgeon. Doctor एक बहुत ही अच्छा profession है, नाम है, इज्जत है, पैसे भी हैं। बस यही कहकर मुझे मेरे मॉम डैड ने मना लिया। दोस्तों ने भी कहा कि भाई इंजीनियरिंग में सूखा पड़ा हुआ है। सुना है सारी लड़कियां मेडिकल में ही होती हैं। ये सुन के मैं भी खुश, मगर डॉक्टर बनने के सफर में इतनी सफरिंग होती है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। पहले तो ये पहली से दसवीं तक पढ़ाई करो, उसके बाद एचएससी के साथ साथ एंट्रेंस में अपनी घिसो, वहां भी कंपटीशन। और अगर कभी किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो लॉटरी। अब 5 साल आराम से अपनी मराओ। पढ़ाई के चक्कर में एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी आज तक। ऊपर से ये आर्ट्स और कॉमर्स वाली जितनी लड़कियों के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं, उतनी के तो साला नाम तक नहीं जानता। अब तो लगता है शादी के बाद ही सेक्स मिलेगा। रिप्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते कभी करने का टाइम ही नहीं मिला। मेडिकल ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां इंसान के शरीर से मोटी किताबें और चीटियों से छोटे वर्ड्स होते हैं। और जो ये लोग सोचते हैं ना कि हम डॉक्टर चश्मा क्लासी दिखने के लिए पहनते हैं, तो भाई आंखें खराब हो गई हैं पढ़ पढ़ के। चलो ये सब भी ठीक है, पढ़ते वक्त लगता था कि इस नॉलेज से हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो छोड़ो, बुखार आज भी आता है ना, 3 दिन से पहले ठीक नहीं होता है। पहले लगता था 10th के बाद में से नहीं, फिर लगा 12th के बाद मजे, फिर लगा कॉलेज के बाद तो मजे ही मजे हैं। ये मजे हैं, एक्स्ट्रा टाइम काम, किसी क्रिटिकल केस में किसी पेशेंट को कुछ हो जाए, मरने मारने की धमकी मिलती है। मिलती क्या है, आज तो खाई भी डॉक्टर बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है।